अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें मुफ्ती तारिक मसूद शॉर्ट। मुहर्रम में काले कपड़े पहनना, यहां से हमारा सवाल शुरू हुए थे। महमूद साहब ने इंडिया से पूछा था। देखें, काले कपड़े किसी भी वक्त पहने जा सकते हैं। काले कपड़े पहनने के नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। सफ़ेद को पसंद किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा पसंदीदा लिबास वो सफ़ेद है। कफ़िनू फ़ीहा मौताकुम, अपने मुर्दों को भी इसी में दफन किया करो। इसलिए सफ़ेद लिबास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल करार दिया, उसमें पाकीज़गी ज़्यादा है। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ रंगों के कपड़े पहने, उसकी उलमा वजह ये बयान करते हैं कि उस ज़माने में गुरबत थी। आपने सफ़ेद लिबास को पसंद तो किया, लेकिन नबी के लिए हर वक्त सफ़ेद लिबास का इंतज़ाम करना आसान नहीं था, गुरबत थी। लिबास पहन लेना ही बड़ी बात होती थी कि लिबास मिल जाए किसी को। कितने वाक़ियात हैं कि इज़ार है तो कमीज़ नहीं है, कमीज़ बड़ी मुश्किल से किसी को मिलती थी, कुछ चादर नहीं है ऊपर पहनने की। इतनी गुरबत का आलम था, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकल्लुफ़ करते कि हर कीमत पर मेरे लिए सफ़ेद लिबास लेकर आओ, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में जो सादगी थी ये उसके ख़िलाफ़ था। तो आपने दुनिया में तकल्लुफ नहीं किया, जो जैसा लिबास मिला पहन लिया, पसंद सफ़ेद को किया। लिहाजा आज क्या है कि आज अल्लाह ने लोगों को माली वसतें दी हैं, तो जो लोग सफ़ेद लिबास का मामूल बना सकते हैं उनके लिए अफजल यही है कि वो सफ़ेद लिबास पहना करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तरगीब दी है। खुद क्यों नहीं पहना, उसमें तकल्लुफ था, यानी प्रॉपर इंतज़ाम करना मुश्किल था, तो जो आया पहन लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्योंकि एक चीज़ मुश्किल है, उसमें इतना तकल्लुफ करना, ये ख़ुद भी तो नबी के मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो मिले पहन लो, लेकिन अगर लोग आजकल तो लिबासों में तकल्लुफ ऐसे ही बहुत हो रहा है, तो आपने जब सिलवाने ही हैं, ख़रीदने ही हैं, तो सफ़ेद को तरजीह दें आप। उसमें पाकिजगी ज़्यादा है, उसमें तहारत ज़्यादा है। आप सफ़ेद लिबास के आदि हो गए, आपसे कलर वाला लिबास पहना नहीं जाएगा। मैंने तो 15-20 साल मैंने सफ़ेद लिबास पहना है, तो मुझे पता है कि फिर कलर वाला लिबास नहीं पहना जाता। सफ़ेद में पाकिजगी इतनी है। अब मैं पहनता हूँ कलर वाला लिबास, वो वजह उसकी है कि बाज़ दफ़ा घर वालों का इसरार होता है, बाज़ दफ़ा कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैमरा सफ़ेद लिबास को कैच नहीं कर पा रहा होता, वो कैमरामैन कह रहा होता है भाई कोई और कलर, कोई और कपड़े पहन के, वगैरह वगैरह। तो खैर, मेरा अमल तो कोई हुज्जत नहीं है, लेकिन अफजल यही है कि सफ़ेद लिबास को तरजीह दी जाए, पहना जाए। और उलमा सुलहा अक्सर उमूमन हमने देखा है कि सफ़ेद लिबासी को तरजीह देते हैं। कलर वाला भी जायज़ है, लेकिन बेहतर ही। तो मुहर्रम में भी सफ़ेद ही है, सफ़र में भी सफ़ेद ही है, रबीउल अव्वल में भी सफ़ेद है। तो मुहर्रम में सफ़ेद के बिल्कुल उलट कर लेना, काला पहन लेना, ये तो बिल्कुल सफ़ेद के अपोजिट हो गया ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि काला लिबास पहनना नाजायज़ है, लेकिन आप सफ़ेद से अगर आपने यूटर्न लिया भी था तो ग्रे पे आ जाते, ग्रीन पे आ जाते, एकदम आप ब्लैक पे आ गए, तो बहरहाल ये यानी कराहत से खाली नहीं है, इसका मामूल बना लेना। तो नाजायज़ मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा नापसंदीदा है कि आप सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे, तो सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट तो ना जाए ना आप, यानी बिल्कुल ही काला पहन लें तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। जायज़ है काला पहनना भी, लेकिन बेहतर बहरहाल नहीं है। और मुहर्रम में काला पहनना तो हमारी राय में बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि ये शिया हजरात की अपनी एक राय है, उनकी अपनी एक दलील है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि मुहर्रम में हजरत हुसैन शहीद हुए थे, तो एक बड़े गम की बात थी, तो हम गम मनाने के लिए काला कपड़ा पहनते हैं। तो उनका मसलक है, वो जैसे मसलक पे अपने अमल करना चाहें वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। हम किसी के मसलक पे तंज नहीं कर रहे, हम कोई फ़िरकावारियत और तशद्दुद की बात करना मुनासिब नहीं है, मुल्की हालात इसके मुतहम्मिल नहीं है। लेकिन मैं अहले सुन्नत वल जमात हजरात से कहता हूँ कि आप ये फैसला करें भाई, आप या तो पूरे शिया हो जाएँ या पूरे सुन्नी हो जाएँ। तो अगर आप अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करते हैं, और अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जो कुरान और हदीस और सहाबा ये हुज्जत है, तो हमें तो कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं मिलता कि गम में तुम काले कपड़े पहनो या गमों को मनाओ। कुरान में क्या है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले ईमान को जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, वो सब्र करते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ये बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम है, लेकिन उस गम को हर साल मनाना इसके लिए शरई दलील की ज़रूरत है। अहले बैत की तालीमात को फॉलो किया जाएगा, आप किसी की मोहब्बत में उसकी तालीमात को नहीं तोड़ सकते। अहले बैत की भी यही तालीमात है कि सब्र से काम लेना चाहिए हमें, और गम मनाना भी अगर किसी का होना, जैसे आपके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उसमें भी शरीयत आपको इजाज़त नहीं देती कि आप काले कपड़े पहने गम मनाने के लिए, बल्कि उसमें भी शरीयत क्या कहती है कि गम पे सब्र करें, जो आंसू आप रोक सकते हैं उसको बहाएं नहीं। और
सब्र करें तो गैर यानी इख्तियारी तौर पर जो आपको रोना आ रहा है वो माफ़ है। तो जब जब गम पहुंचा हो उस वक्त शरीयत आपको गम के तौर पे काले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दे रही। तो जब गम 1400 साल पुराना हो और हर साल उस तारीख पे आपको मनाने की शरीयत कैसे इजाजत दे रही है? ये तो एक तरह की बरसी हो गई ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से बड़ा गम कोई इस उम्मत को होगा? रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, लेकिन रबीउल अव्वल हर साल आता था, सहाबा ताबीईन तबा ताबीईन खुद अहले बैत, क्या उस रबीउल अव्वल में कोई गम मनाते थे? बिल्कुल भी नहीं। उस महीने में शादियां भी करते थे, जो खुशी की बात होती थी उस पर खुशी भी मनाते थे। तो हमें नहीं मिलता कि सहाबा ताबीईन या खुद अहले बैत ने या सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा या सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु की ये तालीमात हो कि गम को हमें मनाना है काले कपड़े पहन के या किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से इस्लाम में गम मनाने की आपको इजाज़त नहीं है। बाज़ लोग ये दलील देते हैं कि हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का गम तो नबी ने भी मनाया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बताया कि उम्मत मेरे नवासे को शहीद करेगी तो आप रोने लगे। देखें, जब नबी को इत्तला मिली थी तो आप गमजदा हुए, तो आपका रोना बिल्कुल बजा था। तो किसी को ये इत्तला मिले कि फला जगह ये वाकया हो गया है, उस पर उसको गम हुआ हो और वो रो लेता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो नेचुरल है। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल, यानी जिस दिन आपको वही के जरिए पता चला कि सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पे जुल्म होगा, तो क्या हर साल उस तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो गम की इत्तला जिस वक्त मिली हो उस वक्त रोना आ जाना ये नेचुरल है, लेकिन हर साल प्रॉपर उस रोने को प्रॉपर तरीके से मनाना या काले कपड़े पहन के उसको मनाना ये तो बिल्कुल इस्लाम में नाजायज है। हमारे पास इसके जायज होने की कोई दलील नहीं है। तो शिया हजरात जो कर रहे हैं आप उनको करने दें, उनको जाके ना छेड़ें, आप उनको तंज ना करें, वो उनकी जो राय है वो उस पर अमल करें। इस्लाम में फिरके तो हैं हमेशा से, हमने तो ये देखना है कि कौन सा सही है, हमने तो उसको फॉलो करना है, तो जो हमें सही लगेगा हम उसको फॉलो करेंगे, बाकी हम किसी के नफरतें फैलाने के बहरहाल हम कायल नहीं हैं। तो जो वो कर रहे हैं आप उनको करने दें, लेकिन आप ये काम हरगिज ना करें, क्योंकि हमारे लिए जो हुज्जत है वो कुरान हदीस और अहले बैत और सहाबा इकराम, तो उनकी जो तालीमात हैं हमने उसको फॉलो करना है। उनकी तालीमात में कहीं भी नहीं है, कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है कि गम मनाने के लिए किसी ने काले कपड़े पहने हो। गम मनाना ही जायज़ नहीं है, तो उसके लिए काले कपड़े या कोई और कलर पहनना कहाँ से जायज़ हो जाएगा? तो इसलिए मुहर्रम में नॉर्मली तो कोई भी वक्त में आप काले कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन मुहर्रम में जब आप पहनेंगे तो इसमें एक ताईद होती है कि गोया आप भी इस बिदत में उनकी ताईद कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शुमार क़यामत में अहले सुन्नत वल जमात में ना हो, आपको शिया मसलक ठीक लगता है, तो फिर प्रॉपर आप शिया मसलक प्रॉपर पूरे तौर पर इख्तियार करें। आप आधा तीतर आधा बटेर चलना तो ठीक नहीं है ना। और अगर आप चाहते हैं क़यामत में आपका शुमार अहले सुन्नत वल जमात में हो, तो फिर मुकम्मल अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करें आप, तो उनको जो है अपने हाल पर छोड़ दें। मैं फिर बता दूँ, मैं लड़ाई झगड़ों का कायल नहीं हूँ। शिया हजरात आते हैं यहाँ पे, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय पानी भी चलता है, मेरे दोस्तों में भी हैं बस शिया हजरात, सलाम दुआ है उनसे, लेकिन मज़हब पे बहस नहीं होती। लकुम दीनुकुम वली दीन, हम उससे कहते हैं ठीक है भाई आप अपने राय पर अमल करें, बहस मुबाहसा ना करें। हाँ, जो सीखने के लिए हमसे आना चाहे हम मोहब्बत से उसको समझाएंगे, जो नहीं आ रहा सीखने के लिए तो फिर हम उससे बहस नहीं करते। तो लड़ाई झगड़े ना करें, लेकिन सुन्नी हजरात को, अहले सुन्नत वल जमात को, बल जमात का मतलब क्या है, हम हदीस को भी मानते हैं, अमल जमात सहाबा को भी मानते हैं, तो सहाबा में अहले बैत भी दाखिल हैं, अहले बैत के अलावा भी सहाबा हैं, तो किसी की भी, हमारी राय तो यही है कि किसी की भी तालीमात नहीं, हमें तो हदीस में कुछ भी नहीं मिलता, तो अल्लाह का वास्ता आप एक राय पर अमल करें। इसलिए मुहर्रम में आप इन चीज़ों को फोकस ना करें, काले कपड़े पहनना, गम मनाना, ये इस्लाम की तालीमात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो मैंने सवाल का जवाब दिया कि मुहर्रम में स्पेसिफिक काले कपड़े अगर आप पहनेंगे तो ये एक बिदत की ताईद होगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताईद से मना किया है।